Assalamu alaikum everyone, it's me Muhammad Awad Khan and you all welcome on our beautiful YouTube channel Soch Badlo MAK. Well, आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को डिस्कस करने वाले हैं, तफसील से डिस्कस करेंगे और जितनी भी इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है और साथ इसकी एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेंगे कि हमारे पास अगर के एक सॉलिड एक लाइन में यानी कि एक एक्सिस पर एक्सपेंड होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या कैलकुलेशन होती हैं या हमारे पास क्या क्या इसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं या हम उसको जो डिराइव करते हैं वॉट एवर जो बला बला जो सारी कहानी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार आ रहे हैं और इस शक्ल को इस सूरत को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता, बस किसी तरह भी जाओ, उड़ के जाओ, रिंग के जाओ, जिस तरह भी जाना है जाओ, जाके पहले जाके सब्सक्राइब करो, साथ घंटी के बटन को दबाओ और लाइक तो तुमने कर दिया होता है ये मुझे तुमसे उम्मीद होती है. अगर नहीं भी किया तो मैं कहता हूँ कि कर दो, उसके लिए मैं थैंक्स एडवांस में आप लोगों को बोल देता हूँ. तो चले अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अपनी किताबों को खोल दीजिए. ओके बच्चों, अब इस लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को समझने के लिए मुझे सबसे पहले एक जो सिनेरियो है उसको समझाना, मैं अगर कि मैं आपको समझा देता हूँ तो मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो हम पहले उसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि ये हो क्या रहा है बेसिकली. ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जो पंजाब टेक्स्ट बुक में कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डेट सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग. ये तो हमने पहले भी थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ लिया था कि जब सॉलिड को हीट दी जाती है तो वो इसमें एक्सपेंशन आती है, वो एक्सपेंड होता है. And their expansion is nearly uniform over a wide range of temperature. मतलब ये कि काफ़ी जो उसकी जो expansion है वो हमारे पास uniform होती है, change नहीं होती काफ़ी ज़्यादा temperatures के लिए. मतलब कि एक wide range है जिस पर वो उसकी जो expansion है वो change नहीं होती. तो हम एक general rule derive कर लेते हैं कि हमारे पास किसी भी solid को अगर हम heat देते हैं तो या उसका temperature को change करते हैं तो उसकी जो expansion है वो किस rule के तहत आती है या उसका कोई formula mathematically है तो हम उसको derive कर लेते हैं. तो आते हैं अपने scenario की तरफ. यहाँ पर कह रहे हैं कि कंसीडर अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट. एक मेटल रॉड है, ठीक है, ये मेटल रॉड है, इसको पहले समझ लेते हैं. ये हमारे मेटल रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास एल नॉट है. बाकी सारे को मत देखो, सिर्फ इस यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो है आपके पास ये एक मेटल रॉड है और उसकी लेंथ मेरे पास एल नॉट है. ठीक होगी, एल नॉट है. एट सर्टन टेम्परेचर टी नॉट, मतलब ये कि मैंने इसको टी नॉट टेम्परेचर पर मेरे पास जो एल नॉट आ रही है ये कोई खास टेम्परेचर है जिसको मैंने टी नॉट बोल दिया हुआ है. तो ये मेरे पास टी नॉट पर एल नॉट उसकी लेंथ आ रही है. लेट इट्स लेंथ ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर टी, मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसे में उसकी जो लेंथ है वो भी मेरे पास एक्सपेंड की और मेरे पास जो लेंथ थी वो टोटल यहाँ से यहाँ तक आ गई. मतलब ये कि उसकी जो न्यू लेंथ है वो यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ तक आ गई, जिसको मैंने आसान लफ्ज़ों में L कह दिया. मतलब ये कि मैंने टेम्परेचर को टी नॉट से टी पर बढ़ाया तो मेरे पास L नॉट से लेंथ मेरे पास L पर आ गई. मतलब टी नॉट से टी पर टेम्परेचर गया तो L नॉट से L पर लेंथ आ गई. तो ये मेरे पास एक बेसिक सिनेरियो जिसमें मेरे पास उसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. तो ये मेरे पास जो रॉड है इसमें क्या आ गया, एक्सपेंशन आ गई और ये मेरे पास रॉड जो है वो एक्सपेंड हो गया. अब मैं अगर कि इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैंने क्या लिखा कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट. अब ये ओ जो छोटा सा ओ लिखा हुआ है इसको नॉट बोला जाता है. अब एल स्टैंड फॉर ओरिजिनल भी कह सकते हैं लेकिन ये हमारे पास ओरिजिनल, मैं आपको कह रहा हूँ अपने पर्सनली लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है. ये मेरे पास वो लेंथ है जहाँ जो उसकी इनिशियल थी. वो अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी में याद हो जिसमें हम वी एफ माइनस वी आई करते थे चेंज इन वेलोसिटी, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है. मेरे पास ये जो एल है ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास फाइनल है और ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एल नॉट है ये मेरे पास इनिशियल है. तो अगर मुझे इसका चेंज लेना हो तो मैं इस जैसे मैं वी एफ माइनस भी यही करता था तो मैंने एल माइनस एल नॉट कर दिया. मतलब ये कि मेरे पास जो एल है एल में से अगर मैं एल नॉट को निकालता हूँ तो मेरे पास ये छोटा सा जो फ्रैक्शन है यानी कि चेंज इन लेंथ आ रहा है. ये डायग्राम अपने पास बना लेना, बुक में नहीं बनी हुई, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक में तो नहीं बनी, बाकी तुम्हारे बोर्ड में अगर किसी ने बनाई हो तो उसके लिए तालियाँ होंगी लेकिन आप लोग बना लें तो ज़्यादा अच्छा है. तो मेरे पास ये क्या होगी, मेरे पास ये छोटा सा जो फ्रैक्शन है ये चेंज इन लेंथ का होगा. मतलब ये कि अगर इस टोटल लेंथ में से मैं इस एल नॉट को निकाल लेता हूँ तो मेरे पास ये छोटा सा जो फ्रैक्शन है ये मेरे पास डेल एल आ जाएगा. मतलब ये कि मेरे पास इस टोटल लेंथ में से अगर मैं इस एल नॉट को निकालता हूँ तो मेरे पास ये डेल एल आ जाता है, ठीक है. इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास डेल टी है तो डेल टी मेरे पास बराबर होगा कैपिटल टी माइनस टी नॉट के. तो ऐसे में जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैं क्या करूँगा कि मैं मतलब कि ये मेरे पास जो टेम्परेचर है ये टी टू है और ये मेरे पास टी वन है जिसको मैंने टी
टी नॉट लिखा है, मतलब ये कि ये मेरे पास जब टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ पर जाएगा और एल नॉट फिर इंक्रीज होकर मेरे पास एल पर चली जाएगी। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट और टी डेल टी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट। तो ये मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ये मेरे पास लेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर के कोई बच्चा कहता है कि मैं इसको याद कैसे करूँ, तो सिंपल उसके लिए ये है एक तरीका कार, ये है कि आप इसको अब वो वी एफ माइनस वी आई या टी टू माइनस टी वन एल टू माइनस एल वन से भी याद कर सकते हैं। मतलब ये कि एल टू बड़ा होगा और एल वन आपके पास छोटा होगा। तो ये है आपके पास एक कहानी जिसमें मैंने ये सीखा कि जब मैं किसी मेटल रॉड को एक हीट देता हूँ या उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ऐसे मेरे पास क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा। तो जो उसकी लेंथ है, जब वो एक्सपेंड करेगी तो उसका जो रिलेशन है उसको हम डेल एल को लिखेंगे, एल माइनस एल नॉट को। अब ये तो हो गया जी डेल एल इज इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट और डेल टी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट, ये तो हमें समझ में आ चुका है। अब अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वो पीछे जाए और फिर वापस आ जाए, तो इंशाल्लाह उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर समझा दूंगा। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं अपनी इसकी फर्दर कैलकुलेशन पर कि आगे हमने इसको कैसे प्रोसीड करना है। तो चलते हैं अपनी फर्दर कैलकुलेशन की तरफ। ओके बच्चों, अब ये देखा गया है कि हमारे पास जो है, अगर कि मैं इसकी कैलकुलेशन को देखूँ कि जो ये चेंज इन लेंथ होती है, जो लेंथ में चेंज आ रहा होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर वन उसकी ओरिजिनल लेंथ के साथ, नंबर टू चेंज इन टेम्परेचर के साथ। मतलब ये कि जो चेंज इन लेंथ है, बेसिकली ये क्या होता है कि जब लेंथ में चेंज आता है तो वो कहाँ से स्टार्ट लेता है? जाहिर सी बात है किसी ओरिजिनल लेंथ से स्टार्ट लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है ये एल नॉट और चेंज इन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने बुक के वर्ड्स उठाए हैं, वो कह रहे हैं इट इज फाउंड दैट चेंज इन लेंथ डेल एल ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड द चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। मतलब ये कि जो डेल एल है वो एल नॉट और डेल टी के साथ, चेंज इन टेम्परेचर के साथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, लेंथ में चेंज ज़्यादा आएगा, चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा। मतलब ये कि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे लेंथ में चेंज ज़्यादा आएगा, टेम्परेचर कम करेंगे लेंथ में चेंज कम आएगा। तो ये हमारे पास जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डेल ये एल नॉट के साथ क्यों होता है? एल नॉट के साथ बेसिकली इसलिए होता है कि एल नॉट जो है हमारे पास एक पॉइंट होता है। अगर कि एल नॉट पहले से ज़्यादा होगा तो चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा होगा, और अगर कि एल नॉट पहले से कम होगा तो एल नॉट जो चेंज इन लेंथ है वो भी हमारे पास कम होगा। अच्छा जी, अब मेरे पास ये जो साइन है, ये साइन जो है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, अब मैंने कहा डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट और डेल टी। ठीक हो गया, अब क्या होगा कि अगर कि मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ, मतलब ये कि इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये इज इक्वल्स टू अल्फा। अब ये जो मेरे पास एक ही तरह का सिंबल है, इस तरह का सिंबल होता है, ये सिंबल जो है यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इस तरह करके लिखता हूँ, ये एक ही तरह जो थोड़ा सा सिंबल है। अब ये जो है ये अल्फा है और ये प्रोपोर्शनलिटी, इनमें कहीं कंफ्यूज ना हो जाने के सर ये तो आपने एक ही तरह लिख दिए। तो ये मेरे पास अल्फा है जो कि थोड़ा सा एक ही तरह का होता है, तो ये मेरे पास कांस्टेंट होगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है, अब मैंने जब प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट आ गया, तो मेरे पास डेल एल इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू एल नॉट इनटू डेल्टी। तो मेरे पास लेट्स से ये मेरे पास इक्वेशन वन सेट हो गई, सिर्फ मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगा, तो कांस्टेंट मेरे पास यहाँ पर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशेंट होता है इसको लीनियर थर्मल जो एक्सपेंशन है उसको कोफिशेंट भी बोला जाता है, उसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। तो बस यहाँ पर सिर्फ हम इसको अल्फा ले लेते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास लेंथ चेंज इन लेंथ है, जो कि मैंने यहाँ से सारा एक्सप्लेन किया था, वो मेरे पास एल माइनस एल नॉट के बराबर होती है। तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन वन में यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मेरे पास आएगा एल माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल टी। मतलब कि अल्फा डेल जो डेल एल नॉट डेल टी है ये पहले से आएगा, इस तरह से ये अल्फा हो गया, अल्फा एल नॉट डेल टी आ गया। अब क्या होगा कि मैं इस एल नॉट को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, तो इसका जो माइनस साइन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। बेसिक जो बच्चों की मैथमेटिक्स होती है 4, 5, 6 क्लास की, वो मैथमेटिक्स हो रही है। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो ये माइनस से प्लस होएगा, तो आपके पास एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल टी, तो उसी तरह ही आ रहा है मेरे पास प्लस एल नॉट। अब यहाँ पर ये एल नॉट और एल नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने इसमें जो है इसको कॉमन निकाल लिया। ठीक है, दोनों में आ रहा था, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पर जो है सिर्फ अल्फा डेल टी प्लस वन बच जाएगा। अब मेरे पास अल्फा डेल टी प्लस वन लिखूँ, या फिर मैंने इसको थोड़ा सा बुक के मुताबिक लिखा है कि मेरे पास जो है एल इज इक्वल्स टू एल नॉट इन टू वन प्लस अल्फा डेल टी। मतलब ये कि मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, तो ये मेरे पास कहानी है। वेयर अल्फा इज कॉल्ड द
कोफिशियंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस। अब ये जो मेरे पास अल्फा है ये बेसिकली कोफिशियंट होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का किसी भी सॉलिड के लिए। अब हर सॉलिड के लिए ये जो कोफिशियंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है ये चेंज होगा। अब ये पेज नंबर 184 पंजाब टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक टेबल गिवन है, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा ये टेबल, ठीक है। स्क्रीन पर अगर नज़र आ रहा है तो ठीक है, तो आप देख लें, और अगर के मैं एडिटिंग में भूल गया तो फिर आप लोग खुद ही जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाद अवकात ऐसा होता है, मैं कहता हूँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और एडिटिंग में डालना भूल जाता हूँ, हम भी इंसान हैं। तो फिर बच्चे कहते हैं सर स्क्रीन पे तो नज़र कभी नहीं आ रहा। एक दफ़ा कमेंट आया था कि स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आ रहा, फिर मैंने देखा तो वो एडिटिंग मेरे से मिस्टेक हुई थी। खैर वो बातें होती रहेंगी। तो ये जो टेबल है ये आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 184 पर, हर सब्सटेंस के लिए, हर सॉलिड सब्सटेंस के लिए अपना एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो ये इसी की बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये एक ऑब्जेक्ट कितना, उसमें कितनी एक्सपेंशन आएगी। तो ये जो है अल्फा हमने डिराइव कर लिया, दिस इज़ बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस, और इसी के लिए हम ये टॉपिक को पूरे जो ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। अब इसको मजीद जो है इसकी डेफिनेशन पर डिस्कस कर लेते हैं इस इक्वेशन की मदद से। ये जो इक्वेशन वन है इसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा डिराइव करके इसकी जो शॉर्ट सी डेफिनेशन है, बाज़ औक़ात एग्जाम में ये आ जाता है कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि हम इसके बारे में क्या लिखें। तो चलते हैं उसके बारे में, बस वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करके फिर ये टॉपिक जो है हमारा एंड हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर कि मैं अब इस अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ या इसको बताना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने जो इक्वेशन वन मार्क की थी, ठीक है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक में इसको इक्वेशन 8.9 कह रहे हैं पेज नंबर 184 पर, मैंने इसको इक्वेशन वन कहा था कि डेल एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल टी। तो अगर के मुझे ये अल्फा फाइंड आउट करना है तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ। मैं इन दोनों को जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा डेल एल डिवाइड बाई एल नॉट इंटू एल डेल टी और इज इक्वल्स टू अल्फा। मतलब ये कि जो अल्फा है डेल एल डिवाइड बाई एल नॉट इंटू डेल टी आ गया, और या फिर इसको मैं अगर कि इस तरह से लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये जो है जिस तरह बुक में लिखा गया है कि अल्फा इज इक्वल्स टू डेल एल डिवाइड बाई एल नॉट इनटू डेल्टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दस वी कैन डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा ऑफ अ सब्सटेंस एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। मतलब ये कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ का मतलब ये हुआ कि हम जब इसकी जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूँगा, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आता है, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन का मतलब ये हुआ कि जब आप इसका टेम्परेचर एक एक केल्विन करके बढ़ाते हैं, यानी कि आप जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमने हीट कैपेसिटी में पढ़ा था कि हम जब ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसे में जब उसका वन केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास उसमें कुछ फ्रैक्शन का कुछ फ्रैक्शन वो इंक्रीज होगी, किसी फ्रैक्शन से वो इंक्रीज करेगी। अब ये फ्रैक्शन देखने में कैलकुलेट करने में बहुत थोड़ा होगा, अभी एग्जाम्पल में करवाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे हमने वन केल्विन बढ़ाया तो उसके अंदर थोड़ा सा उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, लेकिन वो लेंथ जो है वो फ्रैक्शनल इंक्रीज थी, फ्रैक्शनल चेंज आएगा, और वो फ्रैक्शन जो है वो उसका मतलब कि वन का फ्रैक्शन जो है, अब वन का एक मीटर का रॉड है तो उसके अंदर वन बाई 1000 या 10,000 टाइम जो है उसकी लेंथ जो है इंक्रीज होगी, तो वो बहुत थोड़ी होगी। तो ये जो अल्फा है ये हमें बताता है कि हमारे पास कोई जो डिफरेंट सब्सटेंस है वो किस तरीके से, किस तरह से वो एक्सपेंड होते हैं, यानी कि उनका जो रेट है, यानी कि जब हम उनको यही टेम्परेचर देते हैं तो वो किस तरीके से हमारे पास उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, मतलब ये कि जैसे जैसे आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ फ्रैक्शन जो होगा उस लेंथ का, ठीक है, अब मिसाल वन मीटर की रॉड का जो एक वन मीटर लेंथ का रॉड है उसकी जो उसका वन बाई थाउजेंड टाइम होगा, 1000 टाइम या 10,000 टाइम आपके पास कह सकते हैं हम उसका। तो कहने का मतलब है कि बहुत थोड़ा जो है, लेट से 1/1000 टाइम आएगा उसमें चेंज, या फिर 1/10,000 टाइम आएगा उसमें चेंज, मतलब कि बहुत थोड़ा चेंज आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो अल्फा है ये हमें उसकी वैल्यू को बता रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है, अगर कि नहीं हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। करते हैं एक एग्जांपल कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, तो चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। ओके बच्चों, अब हमें इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि ब्रास रॉड इज़ 1 मीटर लॉन्ग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ब्रास रॉड है वो हमारे पास
1 meter long है, ठीक है। एक brass rod ये मैंने बना दिया, let's say इसको brass rod समझते हैं, और ये जो temperature है मेरे पास जब मैं provide करूँ वो 0 degree centigrade है, और इसकी जो length है वो मेरे पास 1 meter है। Find its length at 30 degree centigrade, मतलब ये कि अगर के मैं उसका temperature बढ़ाता हूँ 0 से 30 degree centigrade करता हूँ तो उसकी length क्या होगी। जाहिर सी बात है कि वो expand होगा, हमने पढ़ लिया है। तो क्या होगा कि मैंने लिख दिया यहाँ पर सबसे पहले जो टेम्परेचर है, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो मेरे पास 0 degree centigrade है, ठीक है। 0 degree centigrade जो कि केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 केल्विन आता है। मैं नहीं बताने वाला तुम्हें केमिस्ट्री में वगैरह में, तुम लोग उधर इधर उधर से पढ़ के आए हुए हो, तुम्हें पता है कि 0 degree centigrade केल्विन में कन्वर्ट होता है तो वो 273 केल्विन होता है। तो अगर के 0 degree centigrade उसको मैंने कन्वर्ट किया 273 केल्विन में ऐसा यूनिट सिस्टम के लिए, और मेरे पास जो लेंथ है वो कितनी है, वो ओरिजिनल लेंथ इनिशियल लेंथ मेरे पास 1 meter है, लेकिन मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया टी 30 degree centigrade तो मेरे पास जो लेंथ थी वो कितनी होगी। मैंने जब इसको कन्वर्ट किया तो मैंने 30 केल्विन के साथ जो है 30 के साथ जब मैं 273 केल्विन पुट करूँगा तो मेरे पास जो न्यू है वो मेरे पास 303 केल्विन आ जाएगी। मतलब ये कि मैं उसको अगर कि 30 degree centigrade को केल्विन उन्हें कन्वर्ट करना है तो मैंने 273 के साथ 30 को ऐड अप करना है। तो ये मेरे पास न्यू टेम्परेचर था। अब जो मेरे पास एल है मैंने उसको फाइंड आउट करना है, तो मैंने इन वैल्यूज को गिवन डेटा को जो मेरे पास ओरिजिनल लेंथ है 1 meter मैंने उसको लिख दिया। इसी तरह मेरे पास जो ओरिजिनल टेम्परेचर था यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो मेरे पास क्या था, मेरे पास 0 degree centigrade था, इसको मैंने कन्वर्ट करके 273 केल्विन हो गया। मेरे मुंह से बार बार ओरिजिनल निकल रहा है वो इसलिए कि वो इनिशियल को एक तरह का सिग्निफाई कर रहा है, इम्प्लीसिट मीनिंग में मैं बता रहा हूँ आपको। 30 degree centigrade मैंने 0 से 30 degree centigrade पर लेके गया, मतलब ये कि मेरे पास 0 degree centigrade था, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 30 degree centigrade कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर जो लेंथ थी मेरे पास 1 meter थी। अब यहाँ पर जो लेंथ है ये मेरे पास एल नॉट है और ये मेरे पास एल है, ये मैंने फाइंड आउट करनी है। ये मेरे पास टी नॉट है और ये मेरे पास टी है, और ये मेरे पास 0 degree centigrade और ये मेरे पास 30 degree centigrade मेरे पास गिवन है। मैंने इनकी वैल्यू को इस तरह से पुट अप कर, इस तरह से यहाँ पे लिख दिया, पुट अप कर दिया, एंड देन जो डेल टी है वो मेरे पास टी माइनस टी नॉट, मतलब कि जो असल में मेरे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है वो मुझे इस फॉर्मूले में चाहिए होता है। मैंने असल में यहाँ पर जो ये लेंथ है रिक्वायर्ड में ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये सारी वैल्यूज टू द पॉइंट वैल्यूज है, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया है, सिर्फ टेम्परेचर सॉल्व करके बल्कि लिख दिया है। और अब मैंने क्या करना है कि इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 को 2 को और 3 को यहाँ पर पुट करना है और सिंपल इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी। सारा कैलकुलेटर का कमाल है, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो सिंपल आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। तो चलते हैं सिंपल कैलकुलेशन की तरफ और फिर उसके बाद अपने लेक्चर को खत्म करेंगे। ओके बच्चों, अब मेरे पास जो ये इनकी वैल्यूज थी मैंने उनको वैल्यूज को इक्वेशन 1, 2, 3 को इक्वेशन एक्स में पुट कर दिया। जो फॉर्मूला वाले जो इक्वेशन होती है उसको इक्वेशन एक्स कहते हैं, और इक्वेशन 1, 2, 3 जो मैंने वैल्यूज थी वो मैंने इसको पुट अप कर दिया। अब क्या होगा कि मैंने इसको जो है सिर्फ ये जो पर केल्विन था ये केल्विन के साथ कैंसिल हो गया और मेरे पास जो है ये 1.9 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 1 के साथ ऐड करके 1 meter का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो लेंथ है जो कि हमारे पास 30 degree centigrade पर आ रही है। अब आप लोगों ने इसका रिजल्ट की हेडिंग खुद देकर इसका आंसर करना है, ये अगर डायग्राम बना लें, अगर नहीं बल्कि लाजमी आप डायग्राम बनाएं। अगर कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और पेपर में दे रहे हैं तो मेरे लिए ये डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं तो फिर भी आप, आपको ये नहीं है कि मैंने चेक करना है, लेकिन अगर के कोई और भी चेक करे तो अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं तो वो बंदा कहेगा कि हाँ भाई वेल डन, तालियाँ होनी चाहिए इस बंदे के लिए, तो इसने वाकई में काम किया है। तो ये डायग्राम और 5-6 हेडिंग्स जो होती हैं वो हमेशा की वो जो एक रोला होता है मेरा कि वो एक हेडिंग्स लाजमी दिया करो। तो ये जो इसका ये जो रिजल्ट है वो आपने लाजमी देखना है साथ, ठीक है, कि 30 degree centigrade पर उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 1.00057 meter आ रही है। लेट मी करेक्ट, यस, इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ रही है। तो ये था आज का लेक्चर, मैंने जो आपको ये फ्रैक्शनल जो इंक्रीज बताया था, अब देखो कि 30 degree centigrade पर कितना छोटा सा चेंज आ रहा है, 0.00057 meter आ रहा है। तो मैंने आपको जो फ्रैक्शनल इंक्रीज कहा था ना कि पर एक केल्विन से मतलब कि जो चेंज आता है वो बहुत कम होता है, तो अब देखो कि आपके पास जो है 30 degree centigrade जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर होता है लेकिन उस पर भी बहुत थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास असल में एक्सपेंशन होती है जो कि लीनियरली हो रही होती है, लीनियरली मतलब कि एक लाइन के अकॉर्डिंगली हो रही होती है, मतलब कि आपके पास जो है ये एक ही डायमेंशन में एक ही लेंथ में हो रही होती है, यानी तो ये एक्सपेंशन हमारे पास एक ही एक्सिस पर हो रही होती है जिसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। लीनियर यानी कि हमारे पास जो है वो सिर्फ एक लेंथ में हो रही होती है। तो चलें, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, मैं उम्मीद ही कर सकता हूं।
अगर के समझ में नहीं आया तो दो तीन दफ़ा पीछे जाके आगे आ जाया करो, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट बता दिया करो, मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा। मैं नहीं समझाऊंगा तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो समझा देते हैं, यानी कि रिप्लाई वगैरह कर देते हैं, या मैं कह देता हूँ उनको कि रिप्लाई कर दो, कौन है जो इनको रिप्लाई करे, तो आपको इंशाल्लाह समझ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।